आजा भाजी आजा भाजी बेटा या तो बेटा प्लीज मैडम को बिठाओ सर भी आते हैं लोग सभी रिस्पांसिबल लोग बता दीजिए अच्छे से बात करो हम भी अच्छे से बात करो ये और सबकी सिंपैथी है उसका मैं फिर बोल रहा हूं बार-बार आपके बोलो किसी भी गाड़ी और नहीं तो फिर पूरा चक्का जाम तो करो निगम खुद आएगा वो लेके और लगा दो यहाँ से निगम का डिमांड ये है की आर्थिक सहायता करी जाए और ये लिखित में दी जाए निर्देश दिए गए हैं कि पहली बात तो इस दुखद क्षण में पूरा नगर निगम उस परिवार के साथ में है। दूसरी बात क्योंकि हमारे प्रावधान है कि 2.25 लाख रुपए का सहायता राशि दी जाए तो मैंने कहा है कि 7 दिनों में हम उनको प्राप्त वो सहायता राशि मुहैया करा दी जाएगी। साथ ही चूँकि दुखद समय है इसलिए 2 लाख रुपये और एडिशनल राशि आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार दी जा रही है क्योंकि उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चे ही हैं और माता जी हैं तो आयुक्त महोदय ने यह भी आश्वासन दिया है कि जो भी परिवार में सदस्य है या पत्नी या माता जी उनको भी मस्टर पर एक नौकरी दी जाएगी। सर मस्टर कर्मचारी के रूप में नौकरी दी जाएगी और अन्य सुविधाएं जो कि पीएफ जितनी जल्दी निकलना चाहिए वो भी निकलेगा। जो पीएफ में और भी प्रावधान है जितने भी नियमानुसार प्रावधान होते हैं वो सारे मुहैया इस तरह की घटनाएं आगे न हो इसके लिए क्या निर्देश जारी किए गए। चूँकि इसमें पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी तरीके से प्रोटेक्शन यूज़ की जाती हैं और तभी कर्मचारी कार्य करने दिया जाता है लेकिन फिर भी और कोशिश की जाएगी कि जितने भी और इक्विपमेंट्स हो सकते हैं वो उनके साथ में रहें और बारिश के मौसम में और सावधानी पूर्वक ही कार्य करें।